अस्सलाम वालेकुम, द लेक्चर डॉट नेट के अंदर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज से हम लोग वर्डप्रेस की क्लासेस का आगाज़ करेंगे। आज की इस पहली क्लास के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किन किन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए हम लोग अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हैं और वर्डप्रेस की वेबसाइट को किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के अंदर ज़ैम या वैम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। मैं यहाँ एक नोटपैड की फ़ाइल भी ओपन कर लेता हूँ, साथ साथ स्टेप्स भी लिखते रहते हैं। XAMPP XAMPP और WAMP, इन दोनों सॉफ्टवेयर में से आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। ये नॉर्मली आपको गूगल से मिल जाएंगे। आप अपने ब्राउज़र पे लिखें XAMPP डाउनलोड तो आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। सिंपल आप यहां से ये डाउनलोड कर लें। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत आसान है। आप डबल क्लिक करें, नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपके कंप्यूटर सी ड्राइव, जहाँ पे आपकी विंडोज़ होती है, वहाँ पे एक XAMPP का फोल्डर बना लेगा। इस XAMPP के फोल्डर को आप ना प्रोग्राम फाइल्स के अंदर बनाएंगे ना कहीं और रखेंगे। बेहतर और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस फोल्डर को विंडोज़ के ड्राइव के अंदर ही रखें। XAMPP पे डबल क्लिक करें, इसके बाद इसके अंदर XAMPP कंट्रोल आपको मिलेगा। XAMPP कंट्रोल पर डबल क्लिक करें तो एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इस स्क्रीन के अंदर आपको अभी अपाची और MySQL पे काम करना है। वर्डप्रेस के लिए अपाची की सर्विसेज और वर्डप्रेस के लिए ही MySQL डेटाबेस की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इन दोनों को स्टार्ट कर देंगे। जब ये स्टार्ट हो जाएंगे, हो सकता है कि किसी के पास पोर्ट्स का मसला या किसी और चीज़ का इशू आ रहा हो, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले अगर आपका स्काइप लॉगिन है तो उसको लॉग आउट कर दीजिए और इसके बाद आप अपने XAMPP को स्टार्ट कर दीजिए। अगर बिलफर्ज आपका स्काइप लॉग आउट है या स्काइप आपका इंस्टॉल ही नहीं है लेकिन फिर भी ये पोर्ट का इशू दे रहा है या स्टार्ट होते भी स्टॉप हो रहा है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल एड्रेस या हमारे व्हाट्सअप नंबर से। अच्छा, जब ये दोनों चीज़ें स्टार्ट हो जाएँ तो आप इसको क्लोज़ कर दें। ये यहाँ से तो क्लोज़ हो जाएगा लेकिन आपके PC के अंदर रनिंग में रहते हैं। अच्छा, जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, सेकंड स्टेप लिख लेते हैं, इंस्टॉल। यहाँ पे हम लोग डाउनलोड लिख लेते हैं। आप XAMPP करें या WAMP करें, मैं अभी अपने पास यहाँ पे XAMPP यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि WAMP जो है वो सिर्फ आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और XAMPP आपका इसके अलावा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है। अच्छा, जब आपके पास ये चीज़ इंस्टॉल हो जाए तो आप डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस ज़िप फोल्डर को। वर्डप्रेस ज़िप फोल्डर आपको कहाँ से मिलेगा? आपकी अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट से, wordpress.org से आपको मिलेगा। wordpress.com से आपको ये फोल्डर नहीं मिलेगा। wordpress.org पे आप जाएंगे, यहाँ से आप ये डाउनलोड देख रहे हैं। इस डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो एक ज़िप फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, जो कि मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है। ये ज़िप फाइल, इस ज़िप फाइल को आप अनज़िप करेंगे। यहाँ पे मैंने अनज़िप पहले से कर रखी थी। जब ये अनज़िप हो जाएगी तो इसके अंदर आप देखें कि आपका ये एक फ़ोल्डर है या इस फोल्डर के अंदर इस तरह की कुछ फाइल्स और फोल्डर्स हैं। अगर आपके पास इस तरह की फाइल्स और फोल्डर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है, आप इस फोल्डर को कॉपी कर लें, अपने कंप्यूटर में जाएं, अपनी सी ड्राइव, आपके XAMPP या WAMP के फोल्डर में जाएं। इसके बाद अगर आपके पास XAMPP है तो आपके पास htdocs का एक फोल्डर आया होगा, लेकिन अगर आपके पास WAMP है तो www यानी www का एक फोल्डर आया होगा। इस फोल्डर को बोलते हैं रूट फोल्डर, ROOT रूट फोल्डर। आप इस पर डबल क्लिक करें, अपने जो आपने वर्डप्रेस का फोल्डर कॉपी किया था उसको यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। ये कुछ ही सेकंड के अंदर पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, जब ये वर्डप्रेस का फोल्डर पेस्ट हो जाए कम्प्लीटली, तो इस वर्डप्रेस के फोल्डर को आप अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है आप इस फोल्डर का नाम रीनेम करें या ना करें। मैं आपको कहूँगा कि आप इस फोल्डर को रीनेम ज़रूर करें ताकि आपको ये याद रहे कि ये किस प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने ये फोल्डर यहाँ पे पेस्ट किया था।
जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डेमो वेबसाइट के नाम से बनाया है, एक डिस्कशन फॉरम के नाम से बनाया है, एक फ्री स्कूल ऐप के नाम से बनाया हुआ है, एक हदिया वाला के नाम से बना हुआ है, एक जुमानी के नाम से ऑनलाइन एग्जाम। तो ये सारे वर्डप्रेस के ही फोल्डर हैं, या हो सकता है कि किसी और सीएमएस के हों। मैं आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि वर्डप्रेस एक सीएमएस यानी कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्डप्रेस के अलावा और भी बहुत सारे सीएमएस हैं जिसके अंदर जुमला, ओपन कार्ड, मजेंटो, हम लोग इन पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ वर्डप्रेस से बात कर रहे हैं। जैसे आपका ये फोल्डर कॉपी हो जाए, आप इस पर राइट क्लिक करें और रीनेम कर दें। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो अंडर इसको वेब, मैंने अपने फोल्डर का नाम रख दिया डेमो अंडर इसको वेब, आप इसको एंटर कर दें। अच्छा, इस फोल्डर को जब आप बना लें तो अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इस फोल्डर को आप क्लोज कर दें। कॉपी वर्ड प्रेस फोल्डर एंड पेस्ट इट इनटू रूट फोल्डर। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे। रूट फोल्डर, अच्छा रूट फोल्डर या तो ऐप का htdocs होगा या आपका www का फोल्डर होगा कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्रिएट डेटाबेस। क्या बनाएंगे हम लोग? अपना एक डेटाबेस बनाएंगे, उस डेटाबेस के ज़रिए हम अपनी स्क्रीन को अपने वर्डप्रेस फोल्डर को इस डेटाबेस के साथ मिला देंगे। यहाँ पे आएँ। अच्छा, वर्डप्रेस का जब डेटाबेस बनाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका ज़ैम्प से बनता है। इसके लिए हम लोग लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी माय एडमिन। आपको यहाँ पे ये कंप्लीट टाइप करना है। अगर आप नीचे ये चीज़ देखें गूगल सर्च, तो आप इस पर क्लिक नहीं करें क्योंकि ये सर्च इंजन पर चलाएगा, यानी गूगल की वेबसाइट पर वेबसाइट से सर्च करेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है, इसलिए आप यहाँ पे कंप्लीट टाइप करें और इंटर कर दें। तो आप देखेंगे आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी जो कि माय एसक्यूएल की स्क्रीन कही जाती है। ये स्क्रीन आ गई, इसके अंदर आप एक डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सब चीज़ें हम लोग माय एसक्यूएल के ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग वर्डप्रेस देख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डेटाबेस बनाएंगे, डेमो अंडर इसको वेबसाइट। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि जो आपके फोल्डर का नाम है उसी फोल्डर के नाम से आप डेटाबेस बनाएं, आप अलग अलग भी बना सकते हैं, एक जैसा भी बना सकते हैं, लेकिन डेटाबेस का नाम ऐसा होना चाहिए कि आपको ये पता चल जाए कि ये किस प्रोजेक्ट से लिंक करता है। आप इस पर क्रिएट करें, यह आपका डेटाबेस बन गया। देखें आप क्रिएट वेबसाइट डेमो वेबसाइट के नाम से। अच्छा, जब ये आपका डेटाबेस बन जाए, इसके बाद आपको अब इंस्टॉलेशन करनी है किसकी, WP यानी वर्डप्रेस की। इसके लिए आप अपने URL के ऊपर लोकल होस्ट और अपने फोल्डर का नाम, आपके फोल्डर का नाम क्या था अगर आप भूल गए हैं तो भी कोई मसला नहीं है, csamptdocs, इसके अंदर आप देख लें आपके फोल्डर का नाम क्रिएट डेमो वेब और डेमो वेबसाइट। अब देखना है पड़ेगा कि कौन सा हमारा था, अगर बिल्कुल आप भूल गए कोई इशू वाली बात नहीं, यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे आके आप इस फोल्डर को पेस्ट कर दें। देखें ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो गई, इसका मतलब हमारा ये फोल्डर नहीं था, क्योंकि जब भी हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन नहीं आती है। अब आप देखेंगे आपके पास कौन सी स्क्रीन आती है, आप इसको कॉपी कर लें यहाँ पे पेस्ट करें, अब आप देखिएगा आपकी स्क्रीन में क्या फ़र्क पड़ता है। देखें आपने इसने लैंग्वेज वगैरह का पूछा, तो इसका मतलब है कि ये फोल्डर हमारा न्यू था और इसके अंदर हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। आप इसको कंटिन्यू करें, इसके बाद ये आपको कह रहा है कि यहाँ पे ये चार चीज़ें देना ज़रूरी है और टेबल प्रीफिक्स आपकी मर्जी है, अगर आपको देना है तो दें। डेटाबेस नेम जो हमने लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी माय एडमिन जाके बनाया था, हर डेटाबेस का कोई ना कोई यूज़र नेम और उसका पासवर्ड होता है और वो किसी ना किसी होस्ट पे चल रहा होता है, इसको देख लेते हैं। डेटाबेस नेम था हमारा डेमो अंडर इसको वेबसाइट जो हमने लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी माय एडमिन से रखा था, ये नाम सही है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाय डिफॉल्ट जब आप जैम अपना इंस्टॉल करते हैं तो उसका
यूज़र नेम होता है रूट, तो आप अभी फ़िलहाल यहाँ पे रूट ही रखें। हम इस यूज़र नेम पासवर्ड को नॉर्मली जब अपने पीसी पर वेबसाइट बना रहे होते हैं या डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम लोग चेंज नहीं करते, जब हम लोग अपलोड करते हैं तो उस वक्त हम लोग अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चेंज करते हैं। जब हम लोग अपलोडिंग पे आएंगे तो उस वक्त मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जैम का ब्लैंक होता है, उससे गलती से इंटर क्लिक हो गया था। अच्छा, लोकल होस्ट ही आपका, यहाँ पर देखें आपका लोकल होस्ट है। टेबल प्रीफिक्स को आप फिलहाल छोड़ दें, टेबल प्रीफिक्स आपके डेटाबेस के अंदर काम आता है। डेटाबेस के अंदर हमेशा याद रखें कि टेबल्स बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो उस टेबल से पहले यानी जो भी आपका टेबल का नाम है, जैसे बिलफर्स मैं बोलता हूँ टेबल का नाम ABC है, तो प्रीफिक्स मतलब ये है कि उससे पहले ये लग जाएगा, यानी मेरे टेबल का नाम हो जाएगा WP_ABC। तो फिलहाल हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। बोल रहा है कि WP config ऑलरेडी एग्जिस्ट इफ़ यू नीड टू रीसेट। अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा इशू ये आ गया है कि जब यहाँ पे हम लोग थे तो मैं गलती से मुझसे इंटर हो गया था, और जो कि इसने इस wp config.php की फ़ाइल के अंदर जाके सारी चीज़ें सेट कर दी। अच्छा, अगर बिलफर्ज़ आपके पास कभी इस तरह की कोई चीज़ एरर देना शुरू हो जाए तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अपने फोल्डर में जाएँ। यहाँ पर आप देखेंगे अपनी फोल्डर में जाएं, यहाँ पे आप देखेंगे wp config के नाम से एक चीज़ है, आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लें। आप इसको डीमियो में ओपन करें, नोटपैड पे ओपन करें, कोई मसला नहीं है, आप इसको सिर्फ ओपन कर लें। इसके अंदर ही ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, या डेटाबेस है, कौन सा यूज़र नेम है, कौन सा पासवर्ड है, या कहाँ से आपका डेटाबेस सब उठ कर आ रहा है। जैसे ही हमारे पास ओपन हो जाएगी तो आप देखेंगे इसके अंदर कुछ PHP के कोड्स होंगे, जो कि नॉर्मली जिन्होंने PHP वगैरह नहीं पढ़ी हुई होती तो उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन कोई भी इंसान इस फाइल के थ्रू ये देख सकता है कि इसके अंदर कौन सा डेटाबेस है, कौन सा इसका यूज़र नेम है, कौन सा पासवर्ड है, या किस होस्ट पर ये काम कर रहा है। अच्छा, जैसे ही आपकी ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी तो आपके पास ये स्क्रीन आ गई है, आप कोड पर आ जाएँ। कोड पे आने के बाद आप देखेंगे DB name यानी डेटाबेस का नेम, हमारा डेटाबेस का नेम यही था, सही है, यूज़र नेम यही था, पासवर्ड यही था, सारी चीज़ें हमारी सही जा रही हैं। आप इसको सेव करें, अपने वापस इस फोल्डर पर आएँ, यहाँ पे आके रीसेट कर दें। हम लोग ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से जाके सेट करें, हम लोग यहाँ पे आके DB name डेटाबेस नेम, DB user डेटाबेस यूज़र, DB password पासवर्ड आपका, और जो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से अपनी स्क्रीन से फिल की थी हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। आप देखें वो पहली वाली स्क्रीन जो हमारे पास आई थी वो यहाँ से चली गई है, क्योंकि यहाँ पर आके हम लोगों ने सारी सेट कर दिया था। आप चाहें तो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीन से भी सेट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब मैं ड्रीमवेयर को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। साइट का टाइटल बिलफर्ज़ मैं यहाँ पर देता हूँ डेमो वेबसाइट, सही है। यूज़र नेम आपकी मर्ज़ी है, आप अपने इस वर्डप्रेस की वेबसाइट को क्या नाम देना चाहते हैं, मतलब WP admin, और यहाँ पे मैंने दे दिया एडमिन। अब मेरा ये बहुत वीक पासवर्ड है इसलिए मुझे कंफर्म वीक पासवर्ड करना पड़ेगा, और मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दूंगा और इसको इंस्टॉल कर दूंगा। चंद सेकेंड्स के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा इंस्टॉलेशन की टाइमिंग नहीं लेता। अच्छा, एक बात याद रखिए कि हम लोग जो ये वर्डप्रेस कर रहे हैं ये लोकल काम कर रहे हैं। लोकल से मतलब ये है कि आप इसी PC पर ये काम कर सकते हैं और इसी PC पर आप ये काम देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जब इसको अपलोड कर देते हैं या हमें ऑनलाइन बनानी पड़ती है तो काम सारे यही होते हैं, मतलब स्टेप्स सारे यही हैं, यही सारी चीज़ें, सिर्फ फ़र्क ये कि यहाँ पर लोकल होस्ट की जगह पर आपकी वेबसाइट का नाम आ जाता है। बस लॉगिन करते हैं, जो यूज़र नेम था हमारा एडमिन और पासवर्ड भी हमारा एडमिन, और इसको आप मैं रिमेंबर मी करके लॉगिन कर देता हूँ। जैसे ही ये स्क्रीन आ जाएगी तो ये आपकी पहली स्क्रीन कहलाती है वर्डप्रेस की, इसको हम लोग बोलते हैं डैशबोर्ड, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस डैशबोर्ड की कुछ चीज़ें हम लोग मज़ीद आगे काम करेंगे, और इसके साथ हम लोग अपनी एक सिंपल सी पहले एक वेबसाइट बनाएंगे, और इसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।